बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मसालों से बनने वाली आलू और गोभी फ्लावर की सूखी सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी तो आप कई बार बनाए होंगे, लेकिन मेरे घर पर जिस तरह बनाती हूं वही रेसिपी आज मैं लेकर आई हूं। इसे आप टिफ़िन बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हो। तो चलिए, बच्चे भी आसानी से खा पाए ऐसी जायकेदार फ्लावर की सब्ज़ी किस तरह बनाती हूँ देख लेते हैं। फ्लावर की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए 300 ग्राम फ्लावर ली हूँ, और इसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले ही बड़े टुकड़े में काट कर पानी में डालकर रखी थी, ताकि इसमें ऊपर कोई भी दवा वगैरह वो लोग डालते हैं ना सब्ज़ी में, तो वो सब अच्छे तरह से निकल जाए और फ्लावर हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए, कई लोग फ्लावर के बड़े बड़े पीस लेते हैं जो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते, बच्चे भी नहीं खाते, तो हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे जिससे सब्ज़ी भी अच्छी लगती है खाने में और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो ये सब्ज़ी में आगे मैं आलू भी डालने वाली हूँ, इसके लिए मैं इसे थोड़ा छोटा छोटा कट कर रही हूँ। तो मेरी अक्सर कोशिश यही रहती है कि मैं छोटे साइज़ में काटूँ ताकि बच्चे भी आराम से सब्ज़ी खा पाए, वरना क्या होता है कि हम बड़े तो आराम से खा लेते लेकिन बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, तो बच्चों को भी खिलाना ज़रूरी है और दिखने में भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, फ्लावर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके बिल्कुल बारीक टुकड़े में काट कर तैयार कर ली हूँ। मैंने इसे पहले भी धोकर पानी में भिगा कर रखी थी, और अभी भी हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से इसे पानी से धो लेंगे ताकि फ्लावर हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए। तो 2 से 3 बार हमें इसे अच्छे से धो लेना है। तो ये फ्लावर की सब्ज़ी के साथ ही मैं आलू भी डालने वाली हूँ। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ मैंने, और उसका छिलका निकाल कर इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े में काट ली हूँ। तो इस तरह के देखिए छोटे टुकड़े आलू के हैं, तो फ्लावर के भी हमारे छोटे छोटे टुकड़े, ताकि बच्चों को पता ना चले। तो चलिए, अब गैस की तरफ ये सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं हम। फ्लावर की सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच तेल डालकर तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से राई के दाने और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। साथ ही में थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं और थोड़ी हींग डाल देंगे। माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तड़के की। तो कोई भी सब्ज़ी में तड़का बहुत मेन होता है। ये देखिए, सभी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम आलू। तो आलू को मैंने धोकर निकाल लिए। आलू को मैं पहले इसके लिए डाल रही हूँ क्योंकि आलू को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है और फ्लेवर बहुत जल्दी गल जाता है। तो 1 से 2 मिनट ये आलू को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी तेल में। मैं इसे ढक देती हूँ और 1 से 2 मिनट के बाद इसे खोलकर हम चेक करेंगे। आलू 2 मिनट तक फ्राई हो रहे हैं, वहाँ तक हम 3 से 4 हरी मिर्ची ले लेंगे और 10 से 12 लहसुन की कलियां ले लेंगे। इसे थोड़ा सा दरदरा हम कूट कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने इस तरह से दरदरा कूट ली हूँ। दरदरे कूटे हुए का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जब हम पेस्ट डालते हैं ना उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 मिनट भी हो गए हैं, आलू को हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम कुटी हुई हरी मिर्ची और लहसुन डालेंगे। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने धीमी ही रखी हूँ, ये पूरा सालन धीमी आंच पर ही पकता है। अब फौरन ही हम इसमें फ्लावर डाल देते। तो फ्लावर को मैंने चन्नी में सारा पानी इसका निकाल ली हूँ। साथ ही में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं, नमक भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है बारीक कटे हुए, ये भी डाल देते। अब इसे भी मिला देंगे हम। गैस की फ्लेम अभी भी मैंने धीमी रखी हूँ। टमाटर में से जो पानी छूटता है ना, उसमें सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल जाती है।
और टेस्ट भी टमाटर से बहुत अच्छा आता है। मैं ये सब्ज़ी में प्याज नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको प्याज डालना है ना, तो जो टाइम पर हमने पहले राई, ज़ीरा और हींग का तड़का किया था ना, उसके बाद आप थोड़ी सी प्याज डालकर उसे फ्राई करके फिर आलू डाल सकते हो। ये सब्ज़ी में देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। पानी बिना ही स्टीम में ये सब्ज़ी पकाई जाती है धीमी आंच पर, जिसकी वजह से ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही निखर कर आता है। अगर आप इसमें पानी डाल दोगे ना, तो सालन जो सब्ज़ी हमारी, उसका टेस्ट पचका सा लगता है, बराबर नहीं लगता है। तो बिना पानी डालकर आप इसे स्टीम में बिल्कुल धीमी आँच पर पकाए, ताकि सब्ज़ी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा निखर कर आए। अब यहाँ पर देखिए एक खोल प्लेट लेना है, जिसमें हम पानी डालकर इसे स्टीम पर रखेंगे और गैस की फ्लेम धीमी ही रखनी है, धीमी आंच पर ही पकाना है। थोड़ा पानी डाल देंगे हम इसमें, ताकि ये पानी गर्म होते रहे, ऊपर से पानी की भाप बनेगी और नीचे से स्टीम में हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी को एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसकी स्टीम बनती है ना, तो सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से पक जाती है। और आप देख सकते हो कि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली हूँ, लेकिन हमने टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाला था ना, उसी का पानी छूटा है। ये इसे मिक्स कर देंगे। ये सब्ज़ी को देखिए हर 2-3 मिनट के बाद आपको खोलकर चेक करते रहना है, ताकि नीचे से सब्ज़ी जले भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी भी नहीं डाला है। तो सब्ज़ी पूरी तरह से गल जाए वहाँ तक आपने यही स्टेप को रिपीट करना है। फिर से इसे एक बार मैं ढक देती हूँ और 3 से 4 मिनट बाद फिर से एक बार चेक कर लूँगी। यहाँ पर फिर से 3 से 4 मिनट हो गए हैं, एक बार और खोलकर चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आलू को चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए आलू बहुत अच्छे से गल गया है, फ्लावर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। इस टाइम पर अब हम सूखे मसाले डालेंगे। तो मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। पहले मैंने हरी मिर्ची डाली थी, इसके लिए 1/2 चम्मच से थोड़ी कम ही लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा 2 पिंच के करीब गरम मसाला डालेंगे। तो बहुत मसाले नहीं डालने हैं, सब्ज़ी का पूरा पूरा टेस्ट चाहिए हमें। अब इसे मिला देंगे और अब इसे हमें ढके बिना ही पकाना है, इस तरह से खुले में। सब्ज़ियाँ हमारी गल गई है ना, इसीलिए अभी ढकने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुले में ही पकाना है इसे। तो तेल पूरी तरह से ऊपर आ जाए वहाँ तक हम इसे पकने देते। लास्ट स्टेज पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि सब्ज़ी नीचे से जले नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्ज़ी में से तेल भी पूरी तरह से ऊपर आ गया है, ये देखिए। और सब्ज़ी माशाल्लाह आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी गली हुई बन के तैयार हुई है। अब लास्ट में गैस बंद कर देंगे हम और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और गर्मा गर्म ये फुलावर की सब्ज़ी को डिश आउट कर लेते। हरा धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म ये फुलावर की सब्ज़ी को चपाती के साथ डिश आउट कर लेते। ये देखिए, तो आज ये मैंने मेरे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाई हूँ। बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि इसमें फुलावर कहाँ है। ये देखिए, कम मसालों से बहुत ही सुपर टेस्टी ये फुलावर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। हम लोग ऐसे तो चिकन मटन वगैरह खाते ही रहते, लेकिन सब्ज़ियाँ भी खाना चाहिए, सब्ज़ियों में भी बहुत सारा विटामिन होता है। तो चलिए सब्ज़ी को मैं डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ और थोड़ी सब्ज़ी बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे दूँगी, उन्हें स्कूल जाने देर हो रही है। ये देखिए, चलिए फटाफट इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये फुलावर की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, कम मसालों से भी बहुत ही बेहतरीन बनती है। आप इसे है ना, छोटी छोटी जो रोटी होती है ना, थोड़ा थोड़ा तेल लगा कर बनाते हैं पतली रोटी, तो वो रोटी के साथ भी खा सकते हो, जवारी बाजरी की रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, खिचड़ी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, जिसके साथ खाना है आपको उसके साथ खा सकते हो। साथ में दही रख सकते हो रायते के तौर पर, या फिर छाछ रख सकते हो। तो ये सभी के साथ खाने में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे तो देखिए सब्ज़ी तो सभी को बनाना आती है, पर सबका बनाने का अलग अलग अपना स्टाइल होता है। तो एक बार मेरे तरीके से भी बना कर देखिए, झटपट भी बन जाती है और स्टीम में बनने की वजह से, बिल्कुल धीमी आंच पर बनने की वजह से ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा निखर कर आता है। तो देखिए, आपके हस्बैंड या फिर घर में से कोई भी टिफ़िन लेकर जाते हो ना, तो उनके लिए टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि ये सब्ज़ी सूखी सूखी भी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो आप टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बना सकते हो।
सिर्फ 8 से 10 मिनट में ही सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हो कि इसमें आलू और फ्लावर पता ही नहीं चल रहे, क्योंकि हमने सब्जियों को बिल्कुल छोटा छोटा काटा है ना, तो बच्चे भी ढूंढने से रह जाएंगे कि इसमें फ्लावर कौन सा है और आलू कौन से। इसके लिए आप लोग भी इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काटना, ताकि बच्चे भी आराम से खा पाए। कम मसालों से कम तेल में हमने हेल्दी सब्ज़ी बनाकर तैयार की है, तो आप भी अपने घर पे इस तरह से हेल्दी सब्ज़ियाँ बनाइए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाए, सबको खिलाए। ये देखिए, आज की फ्लावर गोभी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।